अगर आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अपने अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से अपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बना सकते हो, किस तरह से आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हो, किस तरह से अपनी यूपीआई आईडी कैसे सेट कर सकते हो, किस तरह से आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप भी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल के अंदर फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे अपने मोबाइल के अंदर फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन की जो फास्ट इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज डिस्प्ले होता है, आपको यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है, आपको यहाँ पे एक बात को याद रखना है, आपको यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो मोबाइल नंबर आपकी किसी ना किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। अगर आप यहाँ पे दूसरा किसी मोबाइल नंबर को ऐड करोगे जो आपकी बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो आप अपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरह का बैंक को लिंक नहीं कर पाओगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 डिजिट का एक OTP आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आपके फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आपको आपकी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपकी बैंक अकाउंट को लिंक करना है ताकि आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर पाओ। तो फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो इंडिया के अंदर जितना सारा बैंक है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। आप किसी दूसरे कंट्री का हो, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, तो आपके वहाँ की जितना सारा बैंक है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ से आपकी जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन के अंदर मेरा जो एयरटेल बैंक अकाउंट है मैं उसे यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर क्लिक करता हूँ। तो आप भी इसी तरह से आप जिस बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो, जिसके अंदर आपकी अकाउंट है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने लग जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा। और आपके पास इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा जब भी आपकी बैंक अकाउंट सक्सेसफुली फोन पे एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है। तो और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी बैंक की ब्रांच नेम, आपकी नेम और आपकी उस बैंक की जो IFSC कोड है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसी के नीचे आपको यहाँ पे आपकी फ़ोन पे एप्लीकेशन की जो UPI ID है वो आपको यहाँ पे देने को मिल जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन की UPI ID को एडिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एडिट की पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी मैनुअली कोई भी एक UPI ID आप यहाँ से सेट कर सकते हो, नहीं तो डिफ़ॉल्ट आपकी जो UPI ID होगा वो आपकी मोबाइल नंबर @AXLA रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट एडिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा और इस तरह से एक मैसेज भी आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहले टाइम पे अपने UPI ID को बनाए हो, मेरे कहने का मतलब है अगर आप अपने इस बैंक अकाउंट को Paytm, गूगल पे या फिर किसी भी तरह का भीम एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे UPI पिन सेट करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके डेबिट कार्ड नंबर और उसका एक्सपायरी डेट को एंटर करके आप अपनी एक UPI ID जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं पहले से ही यहाँ पे UPI ID को सेट करके रखा है, मतलब मेरे Paytm अकाउंट, गूगल पे अकाउंट सब कुछ है, इसलिए मुझे यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप भी पहले से कोई दूसरा एप्लीकेशन को यूज करते हो तो आपको भी यहाँ पे इस तरह से रीसेट पिन का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी पिन को रीसेट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो डन का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपकी जो बैंक अकाउंट है फोन पे एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाएगा। इसके बाद फोन पे एप्लीकेशन की जितना सारा फीचर्स है वो आपके पास इनेबल हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो अकाउंट का लोगो दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ से फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपको KYC करना है। KYC करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हो KYC डिटेल्स और नीचे की तरफ ऑप्शन है वेरीफाई, आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास पेज यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा और आपके पास इस तरह से एक पेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन की KYC कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे लिखा है पैन कार्ड और उसके बगल पे लिखा है चेंज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से 5 डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर जॉब कार्ड। आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से KYC है उसे कंप्लीट कर सकते हो, और कंप्लीट करने के साथ साथ आपकी जो फ़ोन पे वॉलेट है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वोटर कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। वोटर कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने वोटर कार्ड नंबर और वोटर कार्ड जिसके नाम से है उसका नाम आपको यहाँ पे सेम टू सेम टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी KYC को कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी KYC कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी अकाउंट के लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे जहाँ पे लिखा था वेरीफाई वहाँ पे टिक आ गया है, और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अपनी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर अपनी बैंक अकाउंट को सेट कर सकते हो, उसके अंदर आप अपनी UPI ID को सेट कर सकते हो, UPI पिन को जनरेट कर सकते हो, और अपनी फ़ोन पे एप्लीकेशन की जो KYC है उसे भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके बाद से आप अपनी फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर से किसी भी तरह का बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हो, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस है आपका उसे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद से आप A to Z आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर से कर सकते हो। तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे आप किस तरह से मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हो, किसी दूसरे का बैंक अकाउंट में आप किस तरह से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस तरह का आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कॉमेंट से कॉमेंट करके बोलना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आपको बना दूंगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आने वाला टाइम पे और भी नए नए वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलिएगा। और आप फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे इसी भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।